आर्किटेक्ट में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, वैसे आप सभी की छुट्टियां कैसी जा रही है? आई होप सो सभी की छुट्टियां बहुत ही अच्छी जा रही होगी, आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे। पर हमने छुट्टियां नहीं ली क्योंकि आप सभी के लिए वीडियोस जो लाने डेली, और आज भी हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हमेशा की तरह एकदम कमाल की ताजा खबरें। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस तरीके के वीडियोस को देखने के लिए लाइक तो ढेर सारी चाहिए, और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए जिससे टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हो आपके पास सबसे पहले। तो आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं सैमसंग से। सैमसंग वन यूएस 6 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14 की जो अपडेट है, जो कि आपके स्मार्टफोन में आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि ऑफिशियली डेट्स निकल कर बाहर आ चुके हैं, जहां पर सैमसंग के ए सीरीज के स्मार्टफोन से, एल सीरीज के स्मार्टफोन से, जेड सीरीज के स्मार्टफोन से, इन सभी स्मार्टफोन्स में आपको अपडेट देखने को मिलने वाली है। वैसे आप देख लीजिए, अगर आपके पास इन लिस्ट में से अगर कोई भी स्मार्टफोन अवेलेबल है तो आपके पास बहुत ही जल्दी ये जो डेट बताई है वही डेट पर आपको अपडेट देखने को मिल जाएगी। आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए और जो नए बेहतरीन फीचर्स देखने को मिल जाएंगे आप उसका बेनिफिट लीजिए। Vivo की बात करते हुए, Vivo ने फाइनली अपनी Vivo X100 सीरीज को लॉन्च कर दिया है चाइना में, और आज हम बात करने वाले सिर्फ Vivo X100 स्मार्टफोन की। पर इस स्मार्टफोन के अगर स्पेक्स के बारे में बात करें तो 6.78 इंच के में 1.5K OLED LTPO HD कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। यहां पर हमें 3000 nits की पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिलने वाली है, वाओ। और ये जो स्मार्टफोन होगा जिसमें MediaTek Dimensity 9300 चिपसेट की भयंकर ताकत देखने को मिल जाएगी, जो कि एक फ्लैगशिप चिपसेट है। लेटेस्ट 16GB LPDDR5T रैम का सपोर्ट एंड 1TB स्टोरेज का वेरिएंट भी हमें देखने को मिल जाएगा। 50+50+64 MP का हमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, जबकि 32 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। Vivo की कस्टमाइज V2 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स होने वाला है। 5000mAh की बैटरी एंड 120W का हमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स रहने वाले, IR ब्लास्टर भी देखने को मिल जाता है, और क्या चाहिए। पर इस स्मार्टफोन की अगर कीमत की बात करें तो इसे चाइना में लॉन्च किया गया 3999 Chinese yuan की प्राइस पर, यानी अप्रोक्स इंडियन करेंसी हिसाब से कुछ देखने को मिल जाएगा 46,400 rupees के आसपास। अब देखते हैं स्मार्टफोन को भारत में कितनी ही जल्दी लॉन्च किया जाता है। Redmi की बात करते हैं, Redmi Note 13 4G ये जो स्मार्टफोन है जिसका ग्लोबल वेरिएंट FCC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखने को मिल जा चुका है, जहां से पता लग रहा है कि ये जो स्मार्टफोन आएगा जिसमें हमें MIUI 14 देखने को मिल जाएगी बेस्ड ऑन Android 14। जी हाँ, और ये स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 685 चिपसेट देखने को मिलने वाली है, जो कि एक 4G चिपसेट है। अब देखते आने देते हैं स्मार्टफोन को किस कीमत पर कितनी ही जल्दी हमें ग्लोबली देखने को मिल जाता है। पोको की बात करते हैं, एक एक्सक्लूसिव खबर लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए, जहां पर पोको X6 Pro, पोको के और भी दो स्मार्टफोन है, मे बी शायद से पोको X6 होगा एंड पोको F6 सीरीज में से भी वो एक स्मार्टफोन होगा। इन तीनों ही स्मार्टफोन का सीरियल प्रोडक्शन का काम शुरू हो चुका है सेवरल यूरोपियन एंड सेवरल यूरोशियन कंट्रीज में, यानी कि समझ लीजिए इसका लॉन्चिंग काफी ज्यादा नजदीक है। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है वो हमें दिसंबर या जैन के आसपास देखने को मिल जाएंगे। अब देखते हैं पोको के और समय कितनी ही जल्दी नए स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं भारत में, इस बात का इंतजार है। Honor की बात करते हुए, Honor 100 सीरीज जो कि 23 नवंबर को लॉन्च होने वाली चाइना में, ऑफिशियली लैंडिंग पेज भी निकल कर बाहर आ चुका है, जहां पर हमें दो स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले, Honor 100, Honor 100 Pro। और Honor 100 स्मार्टफोन की अगर बात की जाए तो ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप होगा, जबकि Honor 100 Pro स्मार्टफोन में हमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। और Honor 100 सीरीज में एक्सपेक्ट किया जा रहा है हमें Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 चिपसेट का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा। हालांकि Honor 100 सीरीज में हमें 100W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। अब आने देते Honor 100 सीरीज को इस बार में क्या कुछ नया देखने को मिल जाता है, इसे किस कीमत पर लॉन्च किया जाता है। वैसे Honor 100 सीरीज भारत में भी बहुत ही जल्दी दस्तक देने वाली है। अब देखते हैं Honor 100 सीरीज हमें भारत में कितनी ही जल्दी देखने को मिल जाती है। Oppo की बात करते हुए, Oppo Reno 11 सीरीज जो कि 23 नवंबर को लॉन्च होने वाली है चाइना में, जहां पर कहा जा रहा है यही Oppo Reno 11 सीरीज के साथ हमें Oppo Pad L2 भी देखने को मिलने वाला है। और रूमर्स ऐसा कह रहे हैं कि Oppo Pad L2 ये रिब्रांडेड होने वाला है OnePlus Pad Go का। जी हाँ, अब देखते हैं Oppo Pad L2 में हमें कुछ और नया देखने को मिलता भी है या नहीं, या रूमर्स के अकॉर्डिंग OnePlus Pad Go का ये रिब्रांडेड वर्जन रहता है। लेट्स सी।
CMR की बात करते हैं, साइबर मीडिया रिसर्च जिनके रिपोर्ट के अनुसार क्वार्टर थ्री 2023 में भारत में सबसे ज्यादा 5G स्मार्टफोन बेचे गए, उसकी रिपोर्ट निकलकर बाहर आ चुकी है। पता है नंबर वन पर कौन सी कंपनी है जिन्होंने सबसे ज्यादा स्मार्टफोन को बेचा हुआ है? एनी गेस? नंबर वन पर लीड कर रहा है सैमसंग, उसके बाद आ जाता है वीवो, फिर उसके बाद आ जाता है शाओमी, रियलमी एंड ओप्पो। वैसे अगर आप भी 5G स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप अभी फिलहाल कौन सी ब्रांड का स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हो कमेंट में जरूर से बताइए। वन प्लस की बात करते हैं, वन प्लस 12 ये जो स्मार्टफोन है जिसके लिए काफी ज्यादा हाइप है, बहुत सारे लोग रुके हुए ये स्मार्टफोन को परचेस करने के लिए, और वन प्लस 12 स्मार्टफोन की आधे दिन कुछ ना कुछ खबरें सामने आती रहती है। हालांकि कल ही हमने आपको ये स्मार्टफोन के पूरे के पूरे स्पेक्स बता दिए। अब ये जो स्मार्टफोन है जिसमें हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिपसेट देखने को मिल जाएगी, और ये स्मार्टफोन को लास्ट मंथ ही शोकेस किया गया है जहां पर पता लगा था कि ये स्मार्टफोन में BOE डिस्प्ले का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा, 2600 nits की पीक ब्राइटनेस के साथ 100 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी होने वाला है। अब ये जो स्मार्टफोन है जिसका जो ग्लोबल वेरिएंट है वो IMD एंड TDRA सर्वेक्षण वेबसाइट पर स्पॉट किया जा चुका है, यानी कि समझ लीजिए बहुत ही जल्दी ये स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च होगा, और चाइना में लॉन्चिंग के बाद तुरंत ही कुछ ही दिनों में ये स्मार्टफोन में ग्लोबली भी देखने को मिलने वाला है, या मे बी सेम टाइम पर भी ग्लोबली लॉन्च हो सकता है। टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट हम ये जज कर रहे हैं, वैसे देखते हैं स्मार्टफोन को किस कीमत पर कितनी जल्दी लॉन्च किया जाता है, ये स्मार्टफोन में भारत में कितनी जल्दी देखने को मिल जाता है, इस बात का इंतजार है। Vivo की बात करते हुए, Vivo के ओर से एक और अच्छी खबर आ रही है जहां पर Vivo X100 सीरीज जो कि हाल ही में चाइना में लॉन्च की गई है, जहां पर Vivo X100 सीरीज में Vivo X100 जो स्मार्टफोन है जिसका ग्लोबल वेरिएंट जो कि TKDN सर्वेक्षण वेबसाइट पर देखने को मिल जा चुका है। Vivo के ओर से एक नया TWS जो कि Vivo TWS L2 जो कि हमें इंडोनेशियन टेलीकॉम सर्वेक्षण वेबसाइट पर भी देखने को मिल जा चुका है, यानी कि समझ लीजिए कि ये दोनों ही प्रोडक्ट का जो लॉन्चिंग है ना वो काफी ज्यादा नजदीक है। अब देखते हैं Vivo X100 ये जो स्मार्टफोन है जो कि हमें कितनी ही जल्दी ग्लोबली देखने को मिल जाता है, इस बात का इंतजार है। काम के दिल की बात करते हैं, अगर आपको चाहिए लैपटॉप स्टैंड वो भी कम कीमत में, वो भी अच्छी ब्रांड का, तो ये जो डील है ना वो आपके लिए डेफिनेटली काम की होने वाली है। फिर Zebronics के और से वाला NS1000 लैपटॉप स्टैंड अभी फिलहाल आपको काफी कम कीमत में Amazon पर ही देखने को मिल जा रहा है, और यही लैपटॉप स्टैंड के अगर कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो आपको एंटी स्लिप सिलिकॉन रबर पेड्स देखने को मिल जाते हैं, ड्यूरेबिलिटी काफी बेहतरीन रहने वाली है, जिसमें आपको लेवल एडजस्टमेंट भी देखने को मिल जाते हैं जहां पर 1 से लेकर 7 लेवल तक एडजस्ट कर सकते हो। हालांकि ये जो स्टैंड है जिसकी आपको 1 साल की वारंटी भी देखने को मिल जाएगी, और यही लैपटॉप स्टैंड की अगर कीमत की बात करें तो ये भी आपको Amazon पर देखने को मिल जाएगा सिर्फ 299 रुपये में। वैसे काफी बेहतरीन डील है, अगर आपको चाहिए तो आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हो, उसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करते हैं, अलोन इन द डार्क नाम से काफी डरावना लग रहा है, और ये जो गेम है वो रिलीज होने वाली है 16 जैन को, यानी कि नेक्स्ट ईयर, और ये गेम आपको PC, PS5, Xbox सीरीज सभी प्लेटफॉर्म्स पर देखने को मिलने वाली है। हालांकि ये गेम का ट्रेलर भी आ चुका है, और देखने से भी पता लग रहा है कि भाई ये गेम आप जब खेलोगे ना तब आपको डेफिनेटली वाइब आने वाली है रेसिडेंट एविल गेम की, जी हाँ जरूर से याद आएगी, क्योंकि ये भी एक सर्वाइवल हॉरर गेम रहने वाली है। वैसे इस टाइप की गेम खेलने का मजा काफी बेहतरीन होता है। वैसे आपको किस टाइप की गेम खेलने का मजा आता है? सर्वाइवल हॉरर गेम, रोल प्लेइंग गेम, एक्शन गेम, एडवेंचर गेम, थ्रिलर गेम, किस टाइप की गेम आपको पसंद है कमेंट में जरूर से बताइए। तो बस आज की टेक न्यूज़ पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर आप जरूर से नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए कीप ऑलवेज स्माइलिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।